हेलो स्टूडेंट्स है वी आर विथ अवर एलेवंथ चैप्टर ऑफ मैथ्स फ्रॉम क्लास सेकेंड एंड आवर चैप्टर नेम इज़ लाइंस एंड लाइंस सो टेक आउट योर बुक मैथ्स मैजिक एंड ओपन पेज नंबर एटी फोर इन योर बुक तो बच्चों अभी हम क्लास सेकेंड का जो अपना चैप्टर है एलेवंथ चैप्टर उसका लाइन्स एंड लाइन्स चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी तो इसमें हमने पढ़ा था कि लाइन्स कितने टाइप्स की होती हैं स्टैंडिंग स्लैंड स्लिपिंग एंड कर्व्ड कुछ लाइनें सीधी नहीं होती हैं डे तो मुड़ी भी होती हैं तो वो होती हैं कर्व लाइन्स ठीक है तो ये हमने पढ़ा था फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा कि हम मैजिस्टिक्स की हेल्प से इस तरह से स्ट्रेट नंबर्स और लेटर्स लिख सकते हैं ठीक है तो यूज मैजिस्टिक्स से मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था भी किस तरह से आप कर सकते हो तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर थे क्वेश्चन थे जिनको बुक में स्पेस नहीं है तो इन्हें हम कॉपी में करेंगे सो so, आप अपनी मैथ्स की कॉपी ओपन करिए ठीक है तो है हमारी इसमें स्पेस ना होने की वजह से उसे हम अपनी कॉपी में करेंगे तो आप अपनी मैथ्स की कॉपी ओपन करिए और जो क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे थे कि इज देयर एनी नंबर और लेटर्स दैट यू कैन नॉट मेक विथ मैजिस्टिक्स इसका आंसर यानी मैजिस्टिक्स से हम लगभग लग सारे नंबर और लेटर्स बना सकते हैं इस तरह से नाओ राइट सम नंबर्स यूजिंग स्ट्रेट लाइन्स तो इस्ट्रेट लाइन्स को यूज़ करते हुए कुछ अपने फोर नो मो नंबर्स लिखने थे एंड वाट अबाउट राइटिंग लेटर्स यूजिंग स्ट्रेट लाइन्स वेज कॉन्स आर ईजी तो कौन कौन से ईजी थे नंबर्स लिखने में लेटर्स uh, लिखने में तो वो लेटर्स भी आप लिखेंगे ठीक है तो ये जो क्वेश्चन आंसर हैं क्वेश्चन हैं इनको हम कॉपी में करेंगे ठीक है तो आप अपने मैथ्स की कापी ओपन करिए और इसमें लिखिए चैप्टर एलेवन लाइन्स एंड लाइन्स एल आई एन ई एस लाइन्स एंड लाइन्स लाइन्स एंड लाइन्स तो ये चैप्टर नेम है हमारा तो हमारी चैप्टर सबसे पहले कौन तो हमारी पहले हम लाइन्स के यहाँ पर वो लिख लेते हैं टाइप्स ठीक है तो कितने टाइप्स हैं थ्री फोर टाइप्स है थ्री तो स्टैंडिंग स्लैंडिंग एंड स्लीपिंग हो गया और एक जो सम लाइन्स आर नॉट स्ट्रेट तो ये क्या कहलाती हैं कर्व लाइन्स कहलाती हैं जो स्ट्रेट नहीं होती हैं ठीक है तो इस तरह से तो सबसे पहले लाइन हमारी क्या है स्टैंडिंग लाइन्स ठीक है तो पहले आप लिखिए स्टैंडिंग एस टी ए एन डी आई एन जी स्टैंडिंग लाइन्स एल आई एन ई एस लाइन्स स्टैंडिंग लाइन्स तो स्टैंडिंग लाइन्स जो होती हैं हमारी क्या होती हैं इस्ट्रेट होती हैं ठीक है थीके? तो वो कैसी होती है सीधी होती हैं तो आप इस तरह से उसे ड्रॉ करेंगे ठीक है ये हमारी स्ट्रेट लाइन ठीक है ये हमारी क्या है स्ट्रेट लाइन है देन सेकेंड लाइन है हमारी सेकेंड जो है वो हमारी थी स्लैंटिंग एस स्लैंटिंग मीस क्या होता है तिरछी एस एल ए एन टी आई एन जी स्लैंटिंग लाइन एल आई एन एस लाइन्स स्लैंड लाइन्स तो स्लैंटिंग लाइन्स हमारी कैसी होती हैं थोड़ी सी तिरछी होती है ऐसे ठीक है आप इनको स्केल से भी खींच सकते हैं ठीक है तो ये हमारी स्लैंडिंग लाइन है देन फिर हमारी कौन सी लाइन थी थर्ड लाइन थी हमारी स्लीपिंग लाइन एस एल ई ई पी आई एन जी स्लीपिंग यानी हमारी थोड़ी सी सीधी लेटी हुई लाइन जो होती है एल आई एन ई एस लाइन, स्लीपिंग लाइन्स ठीक है तो स्लीपिंग लाइन्स किस तरह से आपको बताई थी इस तरह से ठीक है तो ये हमारी क्या है स्लीपिंग लाइन है ओके तो ये स्लीपिंग लाइन हो गई देन फिर हमारी जो लाइंस कोई स्ट्रेट नहीं होती हैं उनको क्या बोलते हैं कर्व्ड सी यू आर वी ई कर्व लाइन तो कर्व लाइंस कैसी होती हैं थोड़ी सी इस तरह से होती हैं ठीक है थीके? तो ये क्या हो गई हमारी कर्व लाइन ठीक है तो ये तो हमारी लाइंस हो गई ठीक है तो हमने लाइन्स ड्रॉ कर ली है ये हमारी स्टैंडिंग लाइन हो गई ये स्लैंडिंग लाइन और ये स्लीपिंग लाइन और ये कर्व लाइन ठीक है अब आपसे क्वेश्चन इसमें पूछे थे कि आपको मैजिस्टिक्स से बनाने थे और स्ट्रेट लाइन से वर्ड बनाते थे तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था कि इज देयर एनी नंबर और लेटर दैट यू कैन नॉट मेक विथ मैचस्टिक्स तो यहाँ पर कोई ऐसा लेटर और नंबर है जिससे आप मैचिटिक से नहीं बना सकते हो तो नहीं हम सारे मैचिस्टिक से नंबर भी बना सकते हैं और ए टू जेड सारे लेटर्स भी बना सकते हैं तो इसका आंसर हमारा हो होगा नो no. ठीक है तो आप क्वेश्चन आपका है यहाँ पर तो आप इस तरह से क्वेश्चन लिखिए तो हमारा क्वेश्चन था इज देया तो आप लिखिए एज आई एस एस देया टी एच ई आर ई देर एनी ए एन वाई एनी नंबर एन यू एम बी ई आर नंबर और लेटर ओ आर और लेटर एल ई टी टी ई आर लेटर That T -H -A -T, THAT that U Y O U YOU cannot CAN -N cannot make MAK make with w -I -T -H WITH with मैच स्टिक एम ए टी सी एच एस टी आई सी के एच एस मैच स्टिक्स तो हमारा आंसर है तो हम बना सकते हैं ना सारे बना सकते हैं तो इसका आंसर हमारा चाह रहेगा नो एन no, ओ no. नो no. तो यहाँ पर सारे वर्ड ऐसे हैं और लेटर्स ऐसे हैं जिन्हें हम मेजिस्टिक्स यूज़ करके बना सकते हैं मैंने कल आपको प्रीवियस वीडियो में बना के भी दिखाए थे ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नो no. तो सेकेंड अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था नाउ नाउ मिस अब राइट मिस लिखना सम मिस क्वेश्चन नंबर्स मिस संख्याएं यूजिंग मीन्स प्रयोग करते हुए स्ट्रेट मीन सीधा लाइन्स मीन्स रेखाएँ तो नाउ राइट सम नंबर्स यूजिंग स्ट्रेट लाइन्स अब आपको स्ट्रेट लाइन्स का यूज़ करते हुए कुछ नंबर्स को लिखना है ठीक है तो लिख सकते हैं नाम जैसे आपने बुक में भी देखा था मैच स्टिक से भी लिखा हुआ था और इस तरह से भी लिखा हुआ है तो आपको स्ट्रेट लाइन यूज़ करते हुए नंबर्स लिखने हैं अब ठीक है तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट N O W Now write W R I T E write Sum S O M E sum Numbers N U M B E R S Numbers Using U. S I N G using straight S T R A I G H T street lines, L -I -N -E -S, lines lines. तो नाउ राइट सम नंबर्स यूजिंग स्ट्रेट लाइंस अब स्ट्रेट लाइंस को यूज़ करके आपने कुछ नंबर्स लिखने हैं ठीक है तो स्ट्रेट लाइंस यानी सीधी लाइंस ठीक है तो स्ट्रेट लाइंस में आपने जैसा लिखा थर्टी टू आप लिख रहे हैं तो इस तरह से आप स्ट्रेट बनाएंगे सब लाइन ठीक है ये देखो थ्री लिख दिया हमने टू अगर आपको टू लिखना है टू थर्टी टू इस तरह से अगर आपने फाइव लिखना है तो आप लिखेंगे फाइव देखो फाइव स्ट्रेट लाइन यूज़ कर, करनी है ठीक है स्ट्रेट या टेढ़ी मेढ़ी आपने नहीं लिखनी है यानी स्ट्रेट तो ये फ़ाइव हो गया इसी तरह से अगर आपको नाइन लिखना है तरह से आप नाइन लिख सकते हैं ठीक है अगर आपने टेन लिखना है तो आप टेन ठीक है अगर आपने सिक्स लिखना है तो आप देखो इस तरह से लिखोगे सिक्स ठीक है तो इस तरह से आपको आपसे कहेगी कहा है कि कुछ नंबर्स लिखिए अगर आपने फ़िफ्टीन लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे फ़िफ्टीन देखो तो वन आपने यहाँ से लिखा वन लिखा ठीक है स्ट्रेट लाइन में लिखना है वन फिफ्टीन लिखना है तो वन फाइव इस तरह से आप फिफ्टीन लिखेंगे ठीक है अगर आपने फोर्टी टू लिखना है तो आप देखो इस तरह से आप पहले स्ट्रेट लाइन से यूज़ करके फोर लिखेंगे फिर टू लिखेंगे ठीक है ये ठीक है इस तरह से आप लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं ना तो थर्टी इस तरह से आप सारे वर्ड सारे जो अल्फ़ाबेट हैं आप इस तरह से लिख सकते हैं तो आपको सॉरी अल्फ़ाबेट नहीं नंबर्स तो आपको यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखने थे राइट राइट ना राइट सब नंबर्स यूजिंग स्ट्रेट लाइन सब स्ट्रेट लाइन यूज़ करके लिखे हैं ना ये सारे नंबर लिखे हैं तो इस तरह से आप और नंबर्स भी घर में प्रैक्टिस करके लिख सकते हैं ठीक है जैसे सेवन है तो आप इस तरह से सेवन लिख सकते हैं ठीक है ये रहा सेवन अगर आपको एट बनाना है तो आप एट भी लिख सकते हैं देखो ये रहा एट इस तरह से एट लिखा जाएगा तो हम सारे वर्ड्स बना सकते हैं सारे स्ट्रेट लाइंस यूज करके नंबर्स बना सकते हैं अब है डब्ल्यू एच ए टी वॉट वॉट मीन्स क्या ए पी ओ यू टी अबाउट अबाउट मीन्स बारे में डब्ल्यू आर आई टी राइट डब्ल्यू आर आई टी आई एन जी राइटिंग राइटिंग मेंस लिखना एल ई टी टी आर एस लेटर्स लेटर्स मिस अक्श एस आई एन जी यूजिंग यूजिंग मिस प्रयोग करना एस टी आर आई आई जी एस टी स्ट्रेट स्ट्रेट में सीधा एल आई एन ई एस लाइन्स लाइन्स मिस रेखाई वर्ट वाट अबाउट राइटिंग लेटर्स यूजिंग स्ट्रेट लाइंस अब जो लेटर्स आप लिखते हैं अक्सर वो स्ट्रेट लाइंस में कैसे हैं उनके बारे में क्या है तो विच डब्ल्यू एच आई सी एच विच विच मीन्स कौन सा ओ एन ई एस वंस वंस में से एक ए आर ई आर आर में से है ई एस वाई ईजी तो विच वंस आर ईजी कौन सी ईजी हैं तो अब आप ने अभी जैसे नंबर्स लिखे हैं ऐसे ही आपसे लेटर्स यानी अल्फ़ाबेट ए बी सी डी कह रहे हैं कि वो वो भी लिखे जाते हैं तो उसमें से आपको कौन से ईजी लगते हैं ठीक है तो आपको वो लिखना है यहाँ पर कि कौन से लेटर्स आपको ईजी लगते हैं तो हम नंबर्स भी लिख सकते हैं ना सारे नंबर्स तो हमने लिख लिए लेटर्स भी हम ए टू जेड लिख सकते हैं ना सारे स्ट्रेट लाइन यूज़ करके तो आपसे पूछ रहे हैं कि कौन से आपको लेटर्स ईजी लगे ठीक है तो कौन से ईजी हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है तो हम इसका पहले नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे what w h a t what about a b o u t about what about writing w r i t i n g writing letters l e t t e r s letters Using U S I N G using straight S T R A I G H T straight lines L I N E S lines.

लेटर्स भी स्ट्रेट लाइन से तो ईजी कौन से हैं देखो तो ए तो आप स्ट्रेट लाइन से ए बना सकते हैं इस तरह से ये रहा ए तो ये आपका बन सकता है देन ई तो आपका ई कैसे बनेगा स्ट्रेट लाइन से देखो इस तरह से ई बनाएंगे आप ठीक है और एफ़ यानी एफ़ इस तरह से बनाएंगे आप एफ़ और जी जी कैसे बनाएंगे देखो जी जी ये आपने बना दिया स्ट्रेट लाइन से देन एच एच इस तरह से स्ट्रेट लाइन से बनाएंगे एच आई भी आप स्ट्रेट लाइन यूज करके बना सकते हैं देखो तो आई है देन और कौन सा है बी भी आप स्ट्रेट लाइन यूज़ करके इजीली बना सकते हैं इस तरह से ठीक है ये आपका बी बन गया तो ये अल्फ़ाबेट क्या है इजी हैं जिन जिनको आप स्ट्रेट लाइन से यूज़ करके बना सकते हो ठीक है तो इस तरह से के भी है देखो के को अगर आप बनाना चाहो तो स्ट्रेट लाइन से बना सकते हो देखो पहले स्ट्रेट लाइन ये खींची देन ये ठीक है के एल भी इजी है देखिए एल अगर आप बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन में इस तरह से बनेगा एल ठीक है तो ये सब है ये आपको ईजी है बनाने ठीक है अब नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है एफ आई एन डी फाइंड ओ यू टी आउट फाइंड आउट पता लगाना डब्ल्यू एच ई आर ई पी एफ एम एस कहाँ ए एल एस ई एल्स एल्स मिन्स और एन यू एम बी आर एस नंबर्स नंबर्स में संख्याएँ ए एन डी एंड एन मिनस और एल ई टी टी ई आर एस लेटर्स लेटर्स मिनस अक्षर ए आर ई आर आर मिस हैं डब्ल्यू आर आई टी टी एन रिटर्न रिटर्न मेंस लिखा हुआ डब्ल्यू आई टी एच वेद वेद में सात एस टी आर ए आई जी एस टी स्ट्रेट स्ट्रेट में सीधा एल आई एन ई एस लाइन्स लाइन्स में स्ट्रेखाएँ तो फाइंड आउट वेयर एल्स नंबर्स एंड लेटर्स आर रिटर्न विद स्ट्रेट लाइन्स अब आपको ऐसी जगह भी लिख बतानी है जहाँ पर और ढूंढनी है जहाँ पर स्ट्रेट लाइन्स में लिखे रहते हैं लेटर्स और नंबर्स को तो एक तो हमारा क्लॉक है दूसरा हमारा क्या है कैलकुलेटर है कैलकुलेटर में भी क्या लिखा जाता है स्ट्रेट लाइंस में लिखा जाता है तो इस तरह से आपको और भी फाइंड करना है ठीक है तो हमारा क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तो फोन मोबाइल फ़ोन पे भी कंप्यूटर में भी स्ट्रेट लाइंस में अगर आप चाहो तो फॉर्मेट होते हैं उसमें तो फाइंड आउट आई वॉच में भी होता है देखो कितनी बार रिस्ट वॉच हमारी इस टाइप की होती हैं जिनमें स्ट्रेट लाइंस में नंबर और लेटर्स लिखे रहते हैं ठीक है तो फाइंड आउट ओ यू टी आउट वेयर डब्ल्यू एच ई आर ई वेयर एल्स ई एल एस ई एल्स नंबर्स एन यू एम B E R S numbers and A and E and letters L E T T E R S letters R A R E R written W R I T T E N written with a W आई टी एच विद इस्ट्रेट एस टी आर ए आई जी एच टी स्ट्रेट लाइन्स लाइन लाइन्स तो कहाँ पर फिर अब लिखा रहता है एक तो क्लाक में ठीक है और रिस्ट वॉच में भी हमारा लिखते हैं सी एल ओ सी के क्लॉक देन कैलकुलेटर सी ए एल सी सी ए कैलकुलेटर सी ए एल सी यू एल ए टी ओ आर कैलकुलेटर और देन आपके रिस्ट वॉच यानी डब्ल्यू आर आई एस टी रिस्ट उसमें भी कौन काफ़ी रिस्ट वॉच ऐसी होती हैं जिसमें नंबर्स और लेटर्स स्ट्रेट लाइन में लिखे रहते हैं ठीक है तो ये आपका आंसर हो गया क्लॉक कैलकुलेटर एंड रिस्ट डब्ल्यू आर आई एस टी वॉच डब्ल्यू ए टी सी एच ठीक है तो ये आपका जो बुक वर्क में आपके क्वेश्चन आंसर थे ये कंप्लीट हुए ठीक है तो इस तरह से पहले आप चैप्टर अलेवन लिखिए लाइन्स एंड लाइन्स देन स्टैंडिंग लाइन्स ड्रॉ करिए फिर स्लैंडिंग लाइन फिर स्लीपिंग लाइन फिर कर्व लाइन ओके फिर इस तरह से आप अपना क्वेश्चन लिखेंगे पहला क्वेश्चन था इज़ देयर एनी नंबर और लेटर दैट यू कैन नॉट मेक विथ मैजिस्टिक्स नो फिर आपका है नाउ राइट सम नंबर्स यूजिंग स्ट्रेट लाइन्स तो ये नंबर्स हमने लिखे हैं थर्टी टू ना फाइव नाइन टेन सिक्स फिफ्टीन फोर्टी टू सेवन एट ठीक है इस तरह से वाट अबाउट राइटिंग लेटर्स यूजिंग स्ट्रेट लाइन्स वीच वंस आर ईजी तो ये हैं जो ईजी हैं स्ट्रेट लाइन यूज़ करके लिखने में ठीक है फिर नेक्स्ट आपसे पूछा फाइंड आउट वेयर एल्स नंबर्स एंड लेटर्स आर रिटर्न विद स्ट्रेट लाइन्स कहाँ कहाँ स्ट्रेट लाइन्स में इससे लिख के जाते हैं तो क्लॉक कैलकुलेटर और रिस्ट वॉच ठीक है तो ये आप अपना काम करिए फेयर कॉपी में इन नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग ओके सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे